आज नाश्ते में क्या बनाया है? तो नाश्ते में है आज पोहा और कुछ ड्राई फ्रूट्स, और ये रही अदरक और इलायची वाली चाय। तो मैं अदरक वाली चाय पीती हूँ हमेशा, लेकिन आज मैंने मिक्स बनाई है। तो चलिए नाश्ता कर लेती हूँ और फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग, मैं पूजा आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज है सैटरडे, नाश्ता हो चुका है, भगवान की पूजा हो चुकी है, और अभी मैं कुछ तो प्लान कर रही हूँ कि मुझे कल क्या करना है वो सोच रही हूँ। तो आज साक्षी और चिराग भी घर पे आने वाले हैं, उन्होंने मुझे रात को ही बताया कि हम कल आने वाले हैं करके शाम तक। तो कुछ तो खाने में प्रिय बनेगा, सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ। वेज ही बनाऊँगी आज, क्योंकि कल संडे है, तो कल संडे के दिन कुछ तो नॉनवेज बनेगा। और मैं सोच रही हूँ कि अभी संडे टू संडे ही नॉनवेज खाया करूँ, बीच बीच में अभी नॉनवेज खाने का मन भी करा तो एक खा लूँगी। लेकिन मेरा क्या होता है ना, मेरा नॉनवेज का इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मैं बचपन से नॉनवेज ही ज़्यादा खाती आ रही हूँ। लेकिन अभी अभी मुझे ऐसे फ़िलहाल लगने लगा है कि इतना ज़्यादा नॉनवेज इंटेक करना इतनी अच्छी बात भी नहीं, वो मुझे पहले से पता है, लेकिन आदत से मजबूर वो क्या ही करे। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे ही क्यों ना हो, लेकिन आदत छुड़ा पा रही हूँ वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ ना, तो एक हफ्ता हो गया शायद से मैंने कुछ नॉनवेज नहीं खाया है। मतलब हाँ, संडे के दिन लास्ट खाया था ना तब भी, और बीच में मैंने एक भुर्जी खाया था बस, उतना ही। ठीक है, मतलब मैं सुधर रही हूँ। देखिए कौन आया है यहाँ पे, हेलो। और यहाँ पे चिराग। हाय, हेलो। चिराग कौन है आपको तो पता ही होगा, कौन है तुम्हेरा? साक्षी का पति। आगे माझा कौन है तो? कौन? मैं देवर हूँ। देवर है, छोटा देवर। देवर जी और देवरानी। हाँ, देवर और देवरानी। तो ये तो आराम करेगा, इसको पूरा काम पे लगाने वाली हूँ। हाँ। मैंने राइस रख राइस सॉरी तो इसमें मैंने पानी और नमक और थोड़ा सा ऑयल डाला है। तो इसमें राइस बॉईल करके लूंगी, क्योंकि मुझे बनाना है फ्राइड राइस। सारे वेजेस है हाँ पे है चाहे। हाँ, काय बनाए थे, काय बनाए थे सांगा आता बोला। लोका तो पण कहते तुमचे विचार अबाउट वुमन्स। हाँ, चुप गया। दिस इज नॉट अबाउट वुमन्स, इन जनरल। कशा बद्दल बायकांचं काय झालं म्हणताय? बायका चहा चांगला बनवत होता। ये बहुत बड़ा फेमिनिस्ट। साक्षी काय काय बोलत होते? चिराग दादा काय बोलत होते? बायकांमुळेच रामायण घडलं, बायकांमुळेच महाभारत घडलं, ऍटलीस्ट त्यांनी काहीतरी घडवलं। कळलं ना साक्षी काय बोलली? एकदम एकदम। तो किचन में बहुत ज्यादा मेस हो चुका है, और यहाँ पे ये इतना तैयारी चल रहा है। मैं मशरूम क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने स्प्रिंग अनियन साफ करके लिया है, ये बीन्स है, गाजर है, थोड़े लहसुन भी मतलब छील लिए है, ये है कैबेज, और ये है तीन रंग के कैप्सिकम, और ये है बेबी कॉर्न, और ये रहे मशरूम। तो इतने सारे वेजेस जाने वाले आज के फ्राइड राइस में। मशरूम मशरूम कट करके लिया है यहाँ पे मैंने, यहाँ पे कैबेज कट कर लिया, यहाँ पे येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर, और यहाँ पे आजा, यहाँ पे मैंने कैरेट कट करके लिए है, अभी बीन्स और ये हरी शिमला मिर्च कट करूंगी, और ये जो बेबी कॉर्न है ना, इसको भी एकदम फाइन चॉप करूंगी मैं, क्योंकि किसी किसी को पसंद आता है, किसी किसी को नहीं। जो भी व्हाइट पार्ट है वो निकाल देना है। वो कड़वा भी लगता है आई थिंक, थोड़ा थोड़ा। पता नहीं, कभी टेस्ट तो किया नहीं, लेकिन सब निकालते, इसलिए मैं निकालती हूँ। स्पंज टाइप है ना, उसका कुछ है भी नहीं, फ्लेवर रहेगा भी नहीं शायद। हो आहे। मैं ऐसे एकदम फाइनली चॉप नहीं करूंगी, जस्ट नॉर्मल रफली चॉप करना है, क्योंकि वैसे भी ये जो वेजेस है ना, पूरे जितने भी वेजेस है इसमें, वो पकने के बाद उनका मतलब क्वांटिटी कम ही लगता है। एंड वो जो क्रंच है वो बाइट में आता है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी मैं वैसे वाला नहीं बनाऊंगी, जो क्रंची बाइट है वो हम दोनों को पसंद है। हाँ। बाकी लोगों को मतलब पूरा पका हुआ। हाँ, पका हुआ लगता है ना, तो सबके हिसाब से बनेगा, हम दोनों के हिसाब से नहीं बनेगा। हम तो पूरा तेल तेल भी डाल के कच्चा भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी अच्छे लगते हैं वैसे तो। अभी ये बेबी कॉर्न देखती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, ऐसे नॉर्मल कट कर। ये जो एग्जॉटिक वेजिटेबल्स है ये रेगुलर बेसिस पे हमें खाने चाहिए, बिकॉज जो न्यूट्रिएंट्स इंडियन वेजिटेबल्स में नहीं होते, आई थिंक एग्जॉटिक वेजिटेबल्स से हमें मिल सकते हैं, हमारी बॉडी को मिल सकते हैं। ओके, साइंस स्टूडेंट। मुझे बेबी कॉर्न के पकौड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं। कितना क्यूट शेप लग रहा है, फ्लावर जैसा शेप लग रहा है। हाँ, इसके पकौड़े भी बहुत अच्छा बनते हैं, कैरेट और इसका बनाने का विथ टोमेटो।
और जैसे हम पनीर चिली खाते हैं वैसे ही बेबी कॉर्न चिली भी बहुत अच्छी लगती है। राइट, सिर्फ नाम ले लो, हमें हमको सब उसकी डिशेस वगैरह सब फ्लेवर वगैरह काम ही क्या है अपने को, खाने के बारे में भाई हमारा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, सब चाहिए, थोड़ा ही दो लेकिन बढ़िया वाला खाना बहुत चाहिए। फास्ट चॉपिंग कर रहे दीदी, तेरे से कम ही है, तू ज्यादा अच्छा और फास्ट चॉप कर लेती है। हाँ, चॉपिंग का और चपाती का काम मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और मुझे वही आता है बेटर, ग्रेवी भी आती है बट दीदी से अच्छी नहीं। हाँ, मुझे सब चॉपिंग करके दो और दीदी साक्षी, मैं सिर्फ तड़का मारने के लिए बहुत बढ़िया हूँ क्योंकि मेरे हाथ का खाना अच्छा बनता है। यस, बोलते हैं ना कि सबके हाथ की टेस्ट बहुत अलग अलग है, वैसे मुझे तो पर्सनली दीदी के हाथ की टेस्ट बहुत अच्छी लगती है। सब व्यूअर्स को ऐसा लगेगा कि कब जाओगे पूजा के हाथ का खाना खाने। हाँ। आ सकते हो मतलब वीडियो थ्रू पता नहीं ऐसे रियल में कब होगा ऐसा बहुत, इतने लोगों का खाना कैसे बनाऊंगी मैं। वैसे मैं आराम से बना लेती हूँ 50-100 लोगों का खाना अकेले भी, थोड़ा एक दिन प्रिपेयर करके लेने का पहला और फिर बनाने का पॉसिबल है, देखते। आप जल्दी से लाइक करो और व्यूज वगैरह सब बढ़ाओ, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, जब सब्सक्राइबर ज्यादा बढ़ जाएंगे तब हम फैन विजिट रखेंगे। ओके, ऐसा भी है? यस, बहुत सारे यूट्यूबर्स आजकल फैन विजिट रखते हैं और एक मेन्यू का एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, सो यू कैन विजिट अस ऑन दैट एड्रेस। कभी जब हमारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर कितने चाहिए, कितने होने चाहिए? ये भी आप पे डिपेंड है। 1 लाख, 1 लाख, 1 मिलियन, पहले तो 1,000 ही हो जाए बहुत बड़ी बात है। हाँ, और हम जल्दी से हमारा गिव अवे भी शुरू करेंगे। जो भी एकदम प्रॉपर यूट्यूबर, मुझे लगता है ये काम साक्षी ने करना चाहिए। मैं अगर यूट्यूब शुरू करूंगी तो मैं आपको सिर्फ साइंस का रिसर्च वगैरह दिख जाएगा, वायरस वगैरह दिख जाएंगे, बाकी कुछ नहीं। ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा इसीलिए तेल भी ज्यादा लगेगा। ये हमने 4 बड़े चम्मच भर के ऑयल डाला है। सबसे पहले जाएगा प्याज, तेल गरम हो चुका है मस्त, और सब हमें हाई फ्लेम पे ही करना है। यस, चाइनीज और जो फ्राइड राइस की जो वैरायटी है पूरी हाई फ्लेम पे बहुत अच्छी बनती है। अब थोड़ा सा ना प्याज जल्दी से भूनने के लिए हम उसमें सॉल्ट डालेंगे एज पर वेजेस, क्योंकि राइस में हमने सॉल्ट डाला ऑलरेडी डाला है। और आप बोलोगे इतनी बड़ी कढ़ाई इसने कहाँ से लाई है, तो ये मेरी मम्मी ने मुझे शादी में गिफ्ट किया है, जब सब बर्तन देते हैं। बहुत अच्छी कढ़ाई है, आप देख सकते हो, क्योंकि मम्मी को पता है मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है तो उसने ये मुझे आयरन का कढ़ाई गिफ्ट किया था। इसे बोलते हैं दूर की सोच। देखो अभी काम में आ गया ना, क्योंकि फ्राइड राइस बनाने के लिए ऐसे ही कुछ तो चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना हो तो। और होटल में भी ऐसी कढ़ाई होती है, बहुत थीन होती है बट बहुत अच्छी होती है, इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे कि ये फ्राइड राइस हम बना रहे हैं एग्जॉटिक वेजेस का, तो नॉर्मली जैसे इंडियन हम कुछ खाना बनाते हैं तो प्याज कैसे पूरा भून लेते हैं ना, लेकिन चाइनीज का यही है कि इसमें हमें पूरा भूनना नहीं है। यस, जस्ट वो ट्रांसपेरेंट हो जाए ना तब तक ही उसको फ्राई करना है। अभी इसमें ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे और अच्छे से भून लेंगे, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का, तब तक हमें इसे भून लेना है। और फिर हम एक एक वेजी ऐड करेंगे, और वेजीज भी हमें ऐसे ऐड करनी है जो जिसको पकने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है वो पहले ऐड करना है। यस, आपको मैं बताऊंगी मैं कैसे अभी ऐड करने वाली हूँ। फॉर एग्जांपल बेबी कॉर्न को भी टाइम लगता है, सो बेबी कॉर्न फर्स्ट जाएंगे तो जल्दी पक जाएंगे। बचा हुआ भी डाल देते ना, तो सबसे पहले जाएगा बीन्स, बीन्स को भी बहुत टाइम लगता है, बीन्स सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। गाजर भी मैं डाल दूंगी क्योंकि गाजर को भी बहुत ही टाइम लगता है। यस, और बहुत लोगों को गाजर ऐसे दांत के नीचे ज़्यादा ऐसे हार्ड आया तो अच्छा नहीं लगता, तो बेटर है कि हम उसे जल्दी डालें और अच्छे से पका के लें। अब नेक्स्ट, हाँ तो अब बेबी कॉर्न डालूंगी मैं,
अभी से हमें 5 मिनट अच्छे से पका लेना है और फिर बाकी की सब्जियां जाएंगी। गाइस ये सब हाई फ्लेम पे हो रहा है, ध्यान रखना कि है फ्लेम हाई। अभी जो बाकी के जो कैप्सिकम और कैबेज है वो डालेंगे हम। वाव कलर कितना ब्राइट आ रहा है। सिर्फ ऐसे वेजिटेबल्स ही खाने का मन कर रहा है, इतना कलरफुल लग रहा है। जो सब्जी जाएगी वो है अपने मशरूम्स। मशरूम्स ऑलरेडी बहुत डेलिकेट होते हैं, स्पॉन्ज की तरह रहते हैं। आपने एक नोटिस किया होगा, नॉर्मल जो चाइनीज बनता है ना उसमें ग्रीन कैप्सिकम, कैबेज और ये क्या बोलते हैं उसको, अनियन का जो सब्जी आता है स्प्रिंग ऑनियन ज़्यादा होते हैं वो ही डालते हैं, लेकिन आज मैंने बहुत ज़्यादा वेजीज और एग्जॉटिक फ्राइड राइस। और ये एकदम ड्राई भी नहीं बनेगा क्योंकि इसके साथ खाने के लिए हमने ना ग्रेवी बनाई है ना चटनी है, तो ये जितना सॉफ्ट रहेगा मतलब कुछ जरूरत जैसे खिचड़ी खाते हैं ना हम, उतना भी मतलब सॉफ्ट नहीं लेकिन ऐसा सॉफ्ट जो इजीली गले से उतर पाए, उतना सॉफ्ट हमें चाहिए, ज़्यादा ड्राई नहीं चाहिए। ये सब बहुत जूसी होने वाला है ना कि चिपचिपा, जूसी ही होगा ये। एकदम फ्राई हो चुके हैं, इसी में मैं कुटी हुई काली मिर्च डालूंगी फिर मिक्स कर दूंगी। इसके बिना फ्राइड राइस का टेस्ट बहुत अधूरा है। राइस और अभी इसमें डालूंगी राइस। यस तो यहाँ पे मैंने वाड़ा कोलम राइस यूज किया है। तो ये रहा वेज फ्राइड राइस जिसमें बहुत सी वेजीज है और ये दिखने में जितना टेम्पटिंग है ना, ट्रस्ट मी खाने में भी उतना ही टेम्पटिंग है। आप भी सेम रेसिपी फॉलो करो और बनाइए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी ये हम सबका आज का डिनर है। रहा राइस और अब मैं सर्व करूंगी सबके लिए। आप देख पाओगे कि इतना ज़्यादा ये क्या बोलते हैं उसको, खिला हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके साथ और कुछ नहीं बना है तो ये इतना में इनफ है, ऐसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो साक्षी ने एक्स्ट्रा यहाँ पे ब्लैक पेपर लिया है क्योंकि उसको ज़्यादा तीखा पसंद है। और यहाँ पे आई हुई बेटी है खाना खाने और ये रहा चिराग। कैसा बना है चिराग? बहुत अच्छा बना है। साक्षी कैसा बन ले? बहुत यम्मी बना है, बहुत अच्छा बना है ना। चलो अभी मैं भी टेस्ट करती हूँ, अच्छा ही बना होगा। क्या देख रहा है चिराग? वाटी मी पंती मध्ये घेतला होता। चार पाच पंते भरून घे। चार पाच पंत्या? बापरे बरं बरं, चल घे गा साक्षी गाजरचा हलवा खायला। तुम्ही चुटा मस्त गरम करा आणि तुम्हीच खावा। का ग अशी करते? आम्ही फ्राईड राईसने फुल झालो, मनसोक्त फ्राईड राईस खाल्लाय। आई को चाहिए के गाजर घालवा? मला टेस्ट पाहिजे थोडीस। टेस्ट आमच्याकडे वाटीवर टेस्ट असते। वाटीवर तुम्ही चमच्यावर टेस्ट ला घेत असाल पण आमच्याकडे टेस्ट ला वाटीवर घेतो। आम्हाला नको वाटीवर, आम्हाला चमच्यावर। तो अभी हमारा खाना खाके हो चुका है और आईने आते समय ना मेरे पसंद की जिलेबी लेके आई है। और चिराग को तो क्या गाजर का हलवा ही खाना ही लगता है। हाँ उसको गाजर का हलवा भी देखा है तो उसको वही चाहिए। तो ठीक है अभी थोड़ा गैप लेंगे और फिर खाएंगे स्वीट में कुछ। तो और हमारे दो मेंबर्स और आने बाकी है, पल्लवी और प्रियंका। तो प्रियंका से आपको मिलवाऊंगी मैं आज, वो इससे पहले व्लॉग में नहीं आई है।
वो है हमारी बहन ही है मतलब, तो आने के बाद मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ। अभी चिराग ने बाल बना के आया है क्योंकि उसको लग रहा था कि वो कैमरा में अच्छा नहीं दिख रहे थे। चिराग तू काफी हैंडसम लग रहे हो वैसे। कुछ भी करो गुड बॉय नहीं लगोगे आप, कुछ भी करो गुड बॉय नहीं लगोगे। और इसको है ना उसको बहुत परेशान करती है, हर बात में चिराग को टोकेगी तब तक इसका खाना हजम नहीं होने वाला है, राइट ना साक्षी? वो मेरा हक बनता है वो। तो अभी हम तीनों ने भरपेट खाना खाया है इसलिए हम कहाँ जा रहे हैं? वॉकिंग कम और गपशप ज्यादा होने वाली, लेकिन लेट्स सी, वॉक तो बनता है। चिराग देखो खुद के इमेजिनरी एप्स इमेजिन करते हुए, चिराग एप्स नहीं होके भी एप्स कैसे इमेजिन कर सकते हैं इसका? अगर वो फैमिली पैक है। हाँ ये फैमिली पैक है। शादी के साइड इफेक्ट्स कहते हैं इसको। प्रियंका हम आते समय उसको रिसीव करके आए, तो ये है साक्षी की बड़ी बहन। मैं इससे बहुत बड़ी दिखती हूँ बट ये मेरी बड़ी बहन है। अपनी मंडली में ये भी शामिल है आज। ये भी मस्ती पार्टनर बन गई है अभी हमारी। पीहू के लिए भी सर्व किया है, पीहू मुझे खा के बताओ कैसे बना है। एक्सपर्ट ट्राई। एक नंबर टेस्टी बना है। अभी हलवा गरम किया है, एक बाटी पूरी आपको चाहिए था ना? इतने में क्या होने वाला है? इतने में ही नहीं, इतने में ही होने वाला है जो भी होने वाला है वो। और ये भी दोनों में एक बाटी है ना, आधा आधा बाटी तू आधा बाटी में। भांडू नका दोगे पण गपचुप खा, बघू किती घेतलाय। इतना लिया है, इनफ है, उधर स्वीट जास्त नहीं खायचा। बाकी का तूने खा लिया क्या? नहीं एक वो सब झगड़ा बाद में करो खाने के ऊपर से, पहले टेस्ट करके दोनों रिव्यू दो मुझे कैसे बना है। अभी फर्स्ट बाइट में ले रही हूं। क्योंकि जो लोग देख रहे हैं जिन्होंने मेरा रेसिपी देखा है उनको भी पता चलना चाहिए कि सच में टेस्टी बनता है। बहुत टेस्टी बना सब बना के देख लो। अभी गाजर का सीजन चालू है, बहुत अच्छा। अब चिराग का टर्न, चिराग का रिव्यू। लास्ट टाइम का ऐसा उससे भी अच्छा बना है। अभी जस्ट पल्लवी भी आई है और हम बिग बॉस देखते देखते पत्ते खेलने वाले हैं। तो कौन सा गेम खेलने वाले साक्षी? हम कार्ड्स, बचपन की सब यादें ताजा कर रहे हैं। लेकिन गेम कौन सा खेलेंगे? डोंकी, ये बहुत अच्छा गेम है। हाँ टाइम पास, बहुत ज्यादा लोग रहेंगे ना तो एक कैट नहीं मतलब सफिशियंट नहीं होता। हाँ तो फिर एक कैट में वो डोंकी गेम बहुत अच्छे से खेला जाता है। क्या मंगाया था पल्लवी ने? नाइट ड्रेस, क्लोविया जो ऐप है ना उससे मंगाए थे। काफी सुंदर है, मुझे ये अच्छा लगा है ना साक्षी? ये सबको अच्छा लगा, ये बहुत लाइट वेट है। हाँ ये दुबई पैटर्न लग रहा है मुझे थोड़ा सा, दुबई प्रिंट, उस तरह ऐसी प्रिंट के ज्यादा पहनते हैं। और बहुत आई थिंक और नीचे क्या पैंट है इसके, ऐसे फुल लेंथ पैंट और एक रेड रीजनेबल है। कितनी लगेगा? स्वस्त मिळेल हा। आपण पल्लूला विचारू, वो गाई एक चेंज करणे, तीन मंगाए थे उसने। तो ये थर्ड वन वाला उसका नाइट ड्रेस था, काफी अच्छा लग रहा है ये पल्लवी तुझे। उसमें प्राइस बहुत ज्यादा लिखा था टैग पे, 2499 कुछ तो था। कूपन भी ऐड किया, फिर वो 700 समथिंग हुआ। 700 पर पेयर पड़ला म्हणजे। हां म्हणजे रीजनेबल, 700 से भी कम रीजनेबल छान मिळाले। तू कुठून कहां से मंगाया था? क्लोविया ऐप से मंगाया। क्लोविया ऐप से, ओके मुझे अच्छे लगे। लेकिन बहुत सारे उसमें है अच्छे अच्छे, आप भी चेकआउट करो, आपको भी पसंद आएगा। ओके चलेगा। चलो अभी हम सब खेल रहे हैं कैट, जिसमें हम हमारा गेम का नाम है डोंकी डोंकी, और चिराग एकदम बिजी है बिग बॉस देखने में। चिराग गेम खेलना है हमें, चलो स्टार्ट। ऐसा हुआ है कि चीजें कुछ और तरह से प्रोजेक्ट हुई हैं, तो मैं टीना पे कभी भरोसा नहीं है। थैंक यू टन्ना भी सर। मैं ये अर्चना को दूंगी क्योंकि कल के अगर टास्क को ही ले लें तो ये पता नहीं किसका नंबर लगने वाला है, कौन डी बनेगा। मुझे लग रहा है कि चिराग डी बन जाने वाले हैं। अभी अगर मैं चिराग डी बनने का वाली तो मैं कहूंगी कि सबने पत्ते रख दिए चिराग जाएगा। और मेन पार्ट में ऐसे करके मैं
चीजें कर रही हूँ तो भी समझ में नहीं आ रहे। और मेन बात तो ये है कि मुझे पता है मेरे नहीं मुझे पता पूरा गेम खेलने के मेरे 5 किल्वर थे तो मुझे पहले से पता कि मैं आई एम डन। सो मुझे किसी का नहीं लगा कि नहीं होगा एंड मुझे पता था कि चेहरा के लास्ट रखने वाला है। सो मैंने रखा, मैं 15 दीदी सब लाइन में सबने रखे, इन्होंने नहीं रखा इसलिए मैंने पहले स्टेटमेंट पास कर दिया। डी तो इसके ऊपर आना था। नहीं 5-5 सबको आना चाहिए और एक को एक एक्स्ट्रा देना है और हमें कलर, हाँ कलर सेम करना है कलर। और एक कलर सहा अभी पल्लवी पास करेगी प्रियंका को ऐसे। अब चिराग के ऊपर डी आया है। सरप्राइज बर्थडे का प्लानिंग चल रहा है लेकिन मुझे सब पता है। मुझे बोला है कि तू आवाज करके तू बेडरूम में ही रुक जा और हम तुझे सरप्राइज देने वाले हैं, लेकिन यहाँ तक आवाज़ आ रहा है। बहुत अच्छा सरप्राइज है। मुझे यहाँ पे चुपचाप बैठा है और मेरे को सच में अभी इतना नींद आ रही है ना, अब और कितना मुझे वेट करना पड़ेगा मुझे पता नहीं। हो गया कि तुम्हारा सरप्राइज 12 एक्यूरेट 12 वाजले और मुझे ऐसे बीच में खड़ा किया आमद करके। तो ये रहा मेरे बर्थडे का सेटअप, बहुत बढ़िया बहुत प्यारा किया है। ऊपर भी है क्या कुछ? ओके हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मस्त। और बलून भी बहुत से उन्होंने बहुत मेहनत की बेचारे, बहुत क्यूट। एक केक खूब क्यूट है, थियो ब्रोमा था ना? थियो ब्रोमा था। यस Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Didi. Happy birthday to you. अडवा मोबाइल पकड़। अगर तू छाती वही का अरे अगर मैं छाती तुला सारा सगळे मला शूट करते हैं। घ्या सारा कोणाला सारा थोड़ा थोड़ा सारा मला नाही जास्त जाते। Happy birthday. Happy birthday. तुझ्या मध्ये छान येतंय। Cheers to our drink. काय बनवलंस तू? This is called sangria. Cheers करणार आहे। Cheers करने को हम है ना। चलो Cheers. चिराग दादा अरे दीदी बघा वाईन तो चाललं त्यांचं कुछ अलग, कुछ अलग युनिक अच्छा बनाय। सेकंड सिप भी बनता है। सच में बढ़िया है। अभी ये केक हम सब फिनिश करने वाले हैं। 11:30 वाजले आणि बर्थडे साठी फक्त हाफ एन आवर बाकी आहे। सो मी इथे सँग्रिया बनवते, जो रेड वाइन जी रेड वाइन असते आपली ती वापरून आपण बनवतो। ही रोज फ्लेवरची आहे आणि बेला बिन पडेल असं काहीतरी नाव आहे आणि रोज वाईन आहे। सो रेड वाईनची पण छान लागते। सो मी तीन क्वांटिटी, तीन ग्लास मध्ये जितकी क्वांटिटी बसेल तितकं मी बनवते। सो मी पोर करते आपली रोज वाईन। सो इतकी इनफ असेल, तीन साठी इतकी इनफ असेल। सो मी ती जी आहे बॉटल मधून काढून घेतली आहे आणि बॉटल मी ऑलरेडी फ्रीज मध्ये ठेवली होती आणि इथं फ्रुट्स काय कापून ठेवलेत आणि फ्रुट्स तुम्ही स्ट्रॉबेरी ऑरेंज ऍपल वगैरे टाकू शकता। सो हे फ्रुट्स आपण हाफ एन आवर मुरतील ह्यासाठी मी हाफ एन आवर लवकर काढते, लवकर करून ठेवते आणि ह्याला प्रॉपर असं आपल्याला आणि क्वांटिटी डिपेंड्स तुम्हाला किती क्वांटिटी हवी आहे त्या क्वांटिटीने तुम्ही ह्याला प्रॉपर हे करू शकता आणि हाफ एन आवर मध्ये हा पूर्ण जो फ्लेवर आहे ऑरेंजचा फ्लेवर ऍपलचा एक स्वतःचा फ्लेवर तो आपल्याला रोज वाईन मध्ये इन्फ्युज होईल। सो आता मी ह्याला परत फ्रीज मध्ये ठेवते सगळं प्रॉपर मिक्स करून आणि जर तुम्हाला बाकीची फळं आवडत असतील तर तुम्ही ती पण टाकू शकता।